राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लागू हुआ डायलॉग सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त अब अशोक गहलोत पर लागू होने जा रहा है। ये डायलॉग इस तरह है, किसान अस्त गहलोत मस्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सोमवार को टीडी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए बाड़मेर जैसलमेर के दौरे पर आए थे, लेकिन इन्होंने किसानों के मुआवजे की कोई बात नहीं की है। राजस्थान के कुल 8 जिलों में पाकिस्तान से आए टीडी दलों ने फसलें सौपट कर दी हैं। टीडी हमले से किसानों का बहुत बड़ा बुरा हाल है। पिछले 3 महीनों की मेहनत और खेती में लगाए लाखों रुपए बर्बाद होने पर यहां किसान चिंता में डूबे हुए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में किसानों पर आई इस आपत और टीडी हमले, इससे हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सोमवार को 3 जिलों में पहुंचे थे। टीडी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने बाड़मेर के बाद अब सीएम अशोक गहलोत जैसलमेर भी पहुंचे थे, जहां जैसलमेर वहां किसानों से रूबरू भी हुए थे, लेकिन वहां किसानों को देने की बात नहीं की है। मुआवजे की अगर बात करें तो अशोक गहलोत ने मुआवजे के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मुख्यमंत्री तीनों जिलों के दौरे के बाद वापस दिल्ली लौट गए हैं। इसके बाद अब किसानों की जो हालत है वो जस की तस बनी हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी आवाज़ को हम ऊंची उठा दे रहेंगे।